हेलो डियर बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम तीन अंक ले लेते हैं, 5, 15 और 25, मतलब 5, 15, 25। इसका HCF निकलेगा 5, 15, 25। ठीक, फिर इसको निकालेंगे, 5, 1 × 5, 5 × 15, 5 × 25, मतलब 5 से हमको मालूम था इसलिए लगा दिए। पहले देखा जाए 2 से जो तीनों अंक कट जाए उसी को उसी तीनों का अंक कटना चाहिए, उसी को HCF कहते हैं। और लघुत्तम में होता है छोटे से बड़ा होता है। HCF है ये 5, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटा है। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। तो ये है, अब ये 1 × 1, 3, 5, ये देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से एक अंक केवल कटेगा। तो एक अंक नहीं, सब एक साथ तीनों कटना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा आया HCF 5, समझे? ठीक, दूसरा एक एग्जांपल और ले रहे हैं, 35, 45, 60, ये 35, 45, 60। तो इसको हम करेंगे यही, 2 से पहले देखेंगे 2 से एक अंक केवल कट रहा है 60, और 3 से देखेंगे 3 से 60 ही कटेगा, और 15 ये 45 ये नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे 15 × 4 = 60 कटेगा, एक ही अंक कटेगा, तब ये नहीं आएगा। हाई HCF है, तो फिर 5 से देखेंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, 5 × 12 = 60। इंग्लिश में कहेंगे 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, 5 × 12 = 16। अब देखिए दूसरा अंक 7, 9, 12 बचा है, 2 से देखें 1 = 12 केवल कटेगा, नहीं मतलब है, 3 से 9, 4 से 12 कटेगा, इसलिए तीनों अंक नहीं कटेगा, क्योंकि एक आड है, 2 आड है 1 इवन, इन 2 इवन है 1 आड है, नहीं कटेगा। तो इसका भी हमारा HCF जो है 5 आएगा। एक एग्जांपल और लेके आपको बताते हैं, 28, 32। ठीक, तो इसको देखेंगे, पहले छोटे अंक से देखेंगे, 2, 2 × 2 = 14, 28, और ये 2 × 1 = 2, 1 हासिल आया, 2 × 6 = 12 हो गया। फिर 2 लिखेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। ठीक, अब ये 7 और 8 नहीं कटेगा किसी अंक से, नहीं 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कटेगा तो 7 ये नहीं कटेगा, 8 से ये कटेगा तो 8 से ये नहीं कटेगा, इसलिए हमारा HCF जो हो गया 2 × 2 = 4। ठीक है, समझ में आ गया HCF? फिर से आपको हम एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, ये देखिए HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5, 15, 25, 5, 15, 25, 5 का करेंगे, 1 × 5, 5 × 5, 5 × 3 = 5, 5 × 5 = 25। तो ये समझिए तीनों किसी अंक से नहीं कटेगा, तो हम 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, इसलिए हमारा HCF आया 5, आंसर आ गया 5। और एक अंक हुआ 35, 45, 60, 35, 45, 60, ये भी 2 से नहीं कटेगा, 30, 60 ही जाएगा, 3 से 20 ये कटेगा और सब अंक नहीं कटेंगे, 4 से यही कटेगा, 15 आएगा, और 5 से ये तीनों अंक कट जाएंगे, तो 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, 5 × 12 = 60, मतलब 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, 5 × 12 = 60। तो ये तीनों अंक का एक हमारा ये आएगा, इसका भी HCF आएगा 5। अच्छा, दूसरा हम एग्जांपल एक लेते हैं, 28, 32, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 × 14 = 28, 2 × 16 = 32। अब इसे इसको इंग्लिश में कहेंगे 2 × 14 = 28, 2 × 16 = 32, फिर 2 से जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। ठीक,
अब ये देखें, 7 और 8 बचे, ये किसी से नहीं कटेंगे। 2 से कटेगा तो 4 से 8 कटेगा, 3 से कटेगा ही नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 4 दुनिया 8 कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 5 से कोई नहीं कटेगा, 6 से कोई नहीं कटेगा, 7 एक 7 एक यही कटेगा बस, ये नहीं कटेगा, 8 से ये कटेगा, ये होगा, ये नहीं, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसलिए इसका उत्तर हो गया SCF 2 × 2 = 4। कोई दिक्कत? इसके पहले हमने लघुत्तम बताया था, इसी को आगे बढ़ते चलेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा, वो हम आगे बता चुके हैं। धन्यवाद, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आगे हमारा और भी भिन्न का गुणा भाग देंगे वो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।